भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन आदि से ऊपर माना गया है। इसीलिए दीपावली से पूर्व धनतेरस का महत्व है। इसी महत्व को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम आपके सामने एक अभिनय पेश कर रहे हैं। पृथ्वी लोक पर मनुष्यों में मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, लालच। तत्पश्चात इन्हीं मानसिक विकारों के कारण शारीरिक रोगों की उत्पत्ति हुई, जैसे कि हृदय रोग, जोड़ों के दर्द, श्वासकाश, ज्वर रोग। रोगियों के पास एकमात्र उपाय ईश्वर से प्रार्थना था। परस्पर दानवों और देवताओं के बीच युद्ध जारी था। परंतु कोई निष्कर्ष न निकलने के पश्चात देवादिगण ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु आग्रह किया। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें आदेश दिया कि मंदार पर्वत और नाग वासुकी की सहायता से समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मंथन की प्रक्रिया के दौरान 14 बहुमूल्य रत्न इसमें कलाकृति, कामधेनु गाय, उज्जैन शर्मा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, ब्रह्मानंद अप्सरा, देवी लक्ष्मी, और अंत में हाथ में अमृत पूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण के चतुर्थ रूप में भगवान धन्वंतरी को रखते। भगवान धन्वंतरी के आगमन का ऐसा प्रभाव हुआ कि पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार आया। भगवान धन्वंतरी ने रोगों के निवारण हेतु उपाय बताए। धन्वंतरी को देवों के वैद्य का पद प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य शुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उद्देश्य प्राप्त किया।